بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر 6 میں پرموٹیشن ٹھیک ہے تو پرموٹیشن ہمارے ساتھ ہے ان آرڈرڈ ارینجمنٹ آف دی فائنائٹ نمبر آف ایلیمنٹس taking some or all at a time is called permutation. ठीक है इसको हम ये नोट करते हैं एन पी आर से और ये हमारे साथ बराबर है एन टोटल नंबर है और आर टेकन एट अ टाइम. ठीक है तो एन पी आर हमारे साथ बराबर है एन पिक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर होल पिक्टोरियल. ठीक है और पिक्टोरियल का मतलब हमने पिछली एक्सरसाइज में एक्सप्लेन किया था. तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं 6.2 की तरफ और उसी पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो एक्सरसाइज 6.2 इवैल्यूएट द फॉलोइंग नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन में पार्ट नंबर वन हमारे साथ है 6P6. तो हमारे साथ एन पी आर बराबर है एन पिक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर पिक्टोरियल. ठीक है तो 6P6 हमारे साथ बराबर होगा 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 6 पिक्टोरियल. ठीक है तो ये हमारे साथ बराबर होगा 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 6 से हमारे साथ आता है 0 पिक्टोरियल. तो 6 पिक्टोरियल बराबर है 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और 0 पिक्टोरियल हमारे साथ 1 के बराबर है. ठीक है तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ आता है 720. ठीक है तो 6P6 हमारे साथ बराबर है 720 का. ठीक है अब पार्ट नंबर टू हमारे साथ है 20P2. तो ये बराबर है 20 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 20 माइनस 2 पिक्टोरियल. तो ये मैं लिख सकता हूँ 20 पिक्टोरियल हम लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 18 पिक्टोरियल और 20 माइनस 2 से हमारे साथ 18 आता है 18 पिक्टोरियल. तो ये कैंसिल हो जाएगा और 20 मल्टीप्लाई बाई 9 से हमारे साथ 19 से हमारे साथ आ जाएगा 0 और 19 टू जर 38 तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 380. पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है 16P3. तो ये मैं लिख सकता हूँ 16 पिक्टोरियल डिवाइड बाय 16 माइनस 3 पिक्टोरियल एन टू 3 पिक्टोरियल विच इज इक्वल टू 16 एन टू 15 एन टू 14 एन टू 13 पिक्टोरियल डिवाइड बाय 16 माइनस 3 से हमारे आता है 13 पिक्टोरियल और इस 3 पिक्टोरियल हमारे साथ बराबर है 6 का 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1. ठीक है तो ये 13 पिक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा. ठीक है और ये हमारे साथ आ जाएगा 3 1 3 3 5 15 और ये मेरे साथ आ जाएगा 2 1 2 और 2 7 14 विच इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 7 5 से हमारे साथ आता है 35. ठीक है तो 16 मल्टीप्लाई बाई 35 तो 16 5 80
16 threes are 48, our atom 56. तो 5 16, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है साल फॉर n, n की वैल्यू मालूम करें। तो पार्ट नंबर 1 इसमें है np5 = 56 np3। तो सो दिस इंप्लाइज दैट np5 मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56, और np3 लिख सकता हूं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, व्हिच इज इक्वल टू, सो दिस इंप्लाइज दैट, अब ये मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल, और ये मेरे साथ आ जाएगा 56 into n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 3 into n माइनस 4 into n माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा, n माइनस 5 फैक्टोरियल इस n माइनस 5 फैक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा, तो ये मेरे साथ आ जाएगा, इस साइड पे 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय n माइनस 3 इंटू n माइनस 4, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे साथ आ जाएगा n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 56, ठीक है। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, n स्क्वायर माइनस 4n और माइनस 3n से आता है माइनस 7n प्लस 12 पुट्टी दैट माइनस 56 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 44 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 7n और 12 माइनस 56 से हमारे साथ आता है माइनस 44 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो इसको हम ऐसे फैक्टर में डिवाइड करते हैं इसे दो पार्ट्स में, जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे साथ माइनस 44 एन स्क्वायर आता हो और जिसकी एडिशन से हमारे साथ माइनस 7n आता हो, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट मेरे साथ बराबर है माइनस 44 एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ एन स्क्वायर माइनस 11n प्लस 4n, तो माइनस 44 एन स्क्वायर आता है और माइनस 11n प्लस 4n से माइनस 7n आता है, माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में n कॉमन है, तो n माइनस 11, इसमें 4 कॉमन है तो n माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 11 इन दोनों में n माइनस 11 कॉमन है इंटू n प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 11 और n इज इक्वल टू माइनस 4, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, n की वैल्यू माइनस 4 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 11, तो पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया, हमारे साथ n की वैल्यू मालूम हो गई जो 11 है। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में, पार्ट नंबर 2, तो पार्ट 2 हमारे साथ है np5 = 9 इंटू n माइनस 1 p 4, n की वैल्यू मालूम करें। तो ये मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 9 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये n फैक्टोरियल में ले सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये n माइनस 5 फैक्टोरियल इसके साथ, n माइनस 1 फैक्टोरियल इसके साथ, तो n की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 9।
ठीक है। अब इसमें पार्ट नंबर थ्री हमारे साथ है, एन माइनस वन पी आर, एन माइनस वन सॉरी एन स्क्वेयर पी टू, एन स्क्वेयर पी टू इज इक्वल टू 600। तो ये मैं लिख सकता हूँ एन स्क्वेयर फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन स्क्वेयर माइनस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 600, या लिख सकता हूँ एन स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर माइनस वन इंटू एन स्क्वेयर माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन स्क्वेयर माइनस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 600। तो ये एन स्क्वेयर माइनस टू फैक्टोरियल एन स्क्वेयर माइनस टू फैक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे साथ बन जाएगा एन स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू 600। जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे साथ बन जाएगा एन स्क्वेयर होल स्क्वेयर एन पावर फोर, तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ माइनस एन स्क्वेयर और माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब मेरे साथ ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है एन स्क्वेयर, मतलब ये एक्स है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 600, ठीक है। तो अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो ये मैं लिख सकता हूँ एन स्क्वेयर होल स्क्वेयर माइनस 25 n square plus 24 n square से minus n square आता है, और इसकी multiplication से minus 600 n4 आता है, minus 600 is equal to 0। इस इन दोनों में हमारे साथ n square common है, तो n square minus 25 plus इसमें 24 common है, तो n square minus 25 is equal to 0। इन दोनों में n square minus 25 common है, तो n square minus 25 into n square plus 24 is equal to 0. So n square minus 25 is equal to 0. Our n square is equal to minus 24. Not possible. ये possible नहीं है. n cube minus 24 possible नहीं. ठीक है? अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n square minus 5 square. a square minus b square का पावर मिला is equal to 0. So n minus 5 into n plus 5 is equal to 0. तो n माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो और n प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो n इज इक्वल टू फाइव और n इज इक्वल टू माइनस फाइव नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। सो n इज इक्वल टू फाइव, n की वैल्यू हम आता था फाइव मालूम हो गया। इसी के साथ था पार्ट नंबर थ्री सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया। नंबर थ्री हमारे साथ है प्रूव द फॉलोइंग बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रूव करना है थ्री में पार्ट नंबर वन, एन पी आर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन, ठीक है। तो इसमें मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ और अवर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर साबित करता हूँ, तो इसमें टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे साथ है एन एन टू एन माइनस वन पी आर माइनस वन, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन, और ये फार्मूला है एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन होल फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन एन टू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस वन माइनस आर और प्लस वन होल फैक्टोरियल, तो ये माइनस वन प्लस वन खत्म हो जाएगा। ये एन एन टू एन माइनस वन फैक्टोरियल में देख सकता हूँ एन फैक्टोरियल का, और इससे हमारे साथ आ जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये मेरे साथ बराबर है एन पी आर का, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये सॉरी ये हमने राइट हैंड साइड दिया, ठीक है। राइट हैंड साइड हमने ले लिया और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया, ठीक है। पार्ट नंबर टू हमारे साथ है एन पी आर इज इक्वल टू एन माइनस वन पी आर प्लस आर एन माइनस वन पी आर माइनस वन, ठीक है। तो इसमें दीदी राइट हैंड साइड लेता हूं और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर साबित करता हूं, राइट हैंड साइड
मेरे साथ है n माइनस वन पी आर प्लस आर एन माइनस वन पी आर माइनस वन, ठीक है। तो ये मेरे साथ बराबर है n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस आर, और ये मैं लिख सकता हूँ एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन हमारे साथ है एन माइनस वन और आर हमारे साथ है आर माइनस वन होल फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस आर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन होल फैक्टोरियल। ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरे साथ आ जाएगा। अब विच इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर, ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल प्लस आर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। विच इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर माइनस वन होल फैक्टोरियल प्लस आर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ये मैं लिख सकता हूँ एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन होल फैक्टोरियल। अब इन दोनों में हमारे साथ हम एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर माइनस वन होल फैक्टोरियल इसमें कॉमन है, इधर हमारा वन रह जाएगा और इधर आर डिवाइड बाई एन माइनस आर, ठीक है। तो ये हमारे साथ कॉमन है एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर माइनस वन होल फैक्टोरियल, और इसका एलसीएम हमारे साथ आ जाएगा एन माइनस आर, तो ऊपर हमारे साथ आ जाएगा एन माइनस आर और प्लस आर, ये माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे साथ बन जाएगा एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर एन टू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन फैक्टोरियल और ये मैं लिख सकता हूँ एन माइनस आर फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू, ये हमारे साथ एन टी आर का फार्मूला है विच इज इक्वल टू एन टी आर विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया। तो पार्ट टू हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर फोर हमारे साथ है इन हाउ मेनी वेज कैन ए पुलिस डिपार्टमेंट अरेंज एट सस्पेक्ट्स इन ए लाइन ऑफ, ठीक है। कितने तरीके से एक पुलिस डिपार्टमेंट आठ बंदों के एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें असल में एन पी आर है परमुटेशन है और टोटल नंबर ऑफ सस्पेक्ट्स हमारे साथ कितने हैं, टोटल एट है, ठीक है। और एट वाले पूरे एट एक लाइन में खड़े करते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर टेकन एट ए टाइम वो भी एट है क्योंकि एट बंदे हैं और पूरे एट बंदे एट एक लाइन में खड़े होंगे, ठीक है। तो मतलब एन भी हमारे साथ एट है और आर भी हमारे साथ एट है, ठीक है। तो एन पी आर हमारे साथ बन जाएगा एन भी एट है तो एट पी एट इज इक्वल टू एट फैक्टोरियल डिवाइड बाई एट माइनस एट फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू एट फैक्टोरियल डिवाइड बाई जीरो फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू एट मल्टीप्लाई बाई सेवन मल्टीप्लाई बाई सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन डिवाइड बाई वन, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 multiplied by 7 multiplied by 6 4320
120, ठीक है, तो पुट 1320 रेस ही इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे साथ है, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर ऑफ द वर्ल्ड फास्टिंग बी अरेंज। फास्टिंग एक लफ्ज है, एफ ए एस टी आई एन जी, कितनी तरीकों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो अगर इस लफ्ज को हम देख लें, इसमें हमारे साथ कोई रिपीटेशन नहीं है, एफ ए एस टी आई एन जी, तो टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो एन हमारे पास आ गया 7। अब आर इसमें कितनी है, आर भी 7, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, तो आर इज इक्वल टू 7, तो एन पी आर हम लिख सकते हैं 7P7, ठीक है, तो इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 6 5 4 3 2 1 डिवाइड बाय 1, ठीक है, 0 फैक्टोरियल हमारे साथ 1 के बराबर है, इसको हम मालूम कर सकते हैं 5040 5040, वैसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे साथ स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ जाते हैं, तो सिक्स हमारे साथ है, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 4 5 2 4 5 7 9, 2 4 5 7 9, ठीक है, रिपीटेशन नॉट बीइंग अलाउड, मतलब इससे हम फोर डिजिट नंबर्स, कितने फोर डिजिट नंबर इससे हम बना सकते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, और दूसरा रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, और दूसरा हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन, कितने इसमें इवन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स होंगे, फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में है कि हम कितने तरीके से इससे फोर डिजिट नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, अगर फोर डिजिट नंबर हम लिखते हैं तो फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट, तो पहला डिजिट हम पांच तरीकों से, मतलब टू भी लिख सकते हैं, फोर भी लिख सकते हैं, फाइव भी, सेवन भी, तो फर्स्ट डिजिट हम फाइव तरीकों से लिख सकते हैं, फाइव वेज मल्टीप्लाई बाई, अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जो पहला हम लिखे तो फिर नहीं लिख सकते, तो दूसरा डिजिट हम फोर तरीकों से लिख सकते हैं, फिर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो तीसरा नंबर हम तीन तरीकों से लिख सकते हैं, और चौथा नंबर हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, तो फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई टू, तो फाइव फोर ज़ार 20 23 ज़ार 60 62 ज़ार 120 तरीकों से हम ये लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट हमारे साथ ये है, सेकंड पार्ट इस प्रॉब्लम का, हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन, ठीक है, इसमें इवन कितने होंगे, ठीक है, इसमें हमारे साथ इवन कितने होंगे, ठीक है, तो जब हम इसको इवन लिखते हैं, इवन का मतलब ये है कि फर्स्ट डिजिट हमारे साथ इवन होगा, या टू होगा या हमारे साथ फोर होगा, ठीक है, तो पहले डिजिट को हम फोर तरीकों से लिखते हैं, फोर वेज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो दूसरा डिजिट हम थ्री वेज से लिख सकते हैं, तीसरा डिजिट हम टू वेज से लिख सकते हैं, और फोर डिजिट हमारे साथ टू इवन नंबर है, एक टू है एक फोर है, तो या टू लिख सकते हैं या फोर, तो टू वेज से हम ये डिजिट लिख सकते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ ये, और ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं, पहला जो डिजिट है टू और फोर, मैं लिखता हूं दोबारा, फर्स्ट डिजिट ये वाला, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट में सिर्फ या टू फुट कर सकता हूँ या फोर, टू वेज है मेरे साथ, तो ये मेरे साथ आके टू वेज, ठीक है। अब सेकंड डिजिट में कितने तरीकों से लिख सकता हूँ, ठीक है, फोर वेज से ये मैं लिख सकता हूँ, फोर वेज से इसलिए
कि अगर पहले डिजिट में टू लिख लो तो मेरे साथ चार रहते हैं, ठीक है। अगर पहले डिजिट में फोर लिख लो या टू लिखूंगा या फोर, तो मेरे साथ चार तरीके लिख जाते हैं, ठीक है। फिर तीसरा डिजिट में तीन तरीकों से लिख सकता हूँ, ठीक है। जब ये फोर हो गई तो एक और कम हो गया, और चौथा डिजिट में टू वे से लिख सकता हूँ। तो टू मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई टू, तो टू फोर ज़ार एट, एट थ्री ज़ार ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर टू ज़ार फोर्टी एट वेस। तो हमारे साथ इसमें 48 इवन नंबर होंगे, 120 नंबर हमारे साथ आ गए फोर डिजिट नंबर, तो हमारे साथ इसमें 48 हमारे साथ इसमें इवन होंगे नंबर, आप इवन हमारे साथ इसमें 48 होंगे। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे साथ साल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ जाते हैं। सेवन हमारे साथ है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4 एंड 5। पांच डिजिट है, इससे हम कितनी तीन डिजिट नंबर बना सकते, थ्री डिजिट नंबर। इफ रिपीटिशन इज अलाउड अवर नंबर दो, रिपीटिशन नॉट अलाउड। नॉट अलाउड, ठीक है। तो पहले केस में तीन डिजिट नंबर बनाते, अगर रिपीटेशन अलाउड हो, अगर अलाउड हो तो फर्स्ट डिजिट को मैं पांच तरीकों से लिख सकता हूँ, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी। अब रिपीटेशन अलाउड है तो सेकंड डिजिट भी मैं फाइव तरीकों से लिख सकता हूँ, 5 वेज आ जाएगा। अगर थर्ड डिजिट रिपीटेशन अलाउड है तो थर्ड डिजिट भी पांच तरीकों से आ जाएगा 5 वेज, ठीक है। तो हमारे साथ इसी 5 5 तो 25 25 5 125, ठीक है। और थर्ड नंबर टू, फर्स्ट डिजिट में फाइव तरीकों से लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय, रिपीटेशन अलाउड नहीं तो पहला, तो सेकंड डिजिट फोर तरीकों से लिख सकता हूँ, और थर्ड डिजिट थ्री वे से लिख सकता हूँ। तो 5 4 20 23 60, तो 60 थ्री डिजिट नंबर हमारे साथ इसमें बनते हैं अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे साथ सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर एट सॉल्व करते हैं। तो एट हमारे साथ है, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी फॉर्म ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन से कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं इफ द वावल आर टू बी केप्ट टुगेदर। वावल हमारे साथ इसमें कौन से है, इसमें ए वावल है, ई है, यू है, आई है और ओ है, और इसके अलावा क्यू टी और एन है, क्यू टी और एन है। तो सारे वावल को मैं एक जगह लिखूंगा, तो 1, 2, 3, 4, तो एक बार साथ फोर फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। लेकिन वावल अपने साथ मतलब ए ई यू आई एम इंटरचेंज कर सकता, मतलब ए पहले ई बाद में फिर ई पहले आ जाएगा, तो पांच तरीकों से टोटल पांच है, तो पांच तरीकों से मैं ये चेंज कर सकता हूँ। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये मेरे साथ आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ ये आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 6, हमारे साथ 2880 इज इक्वल टू 2880, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एट हमारे साथ साल हो गया। क्वेश्चन नंबर नाइन हमारे साथ है, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन एनी नंबर ऑफ देम आर यूज्ड एट अ टाइम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स हमारे साथ 6 है, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स हमारे साथ 6 है, मतलब एन हमारे साथ 6 है, ठीक है। अब एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी टेकन एट अ टाइम, ठीक है। तो इफ वन नंबर ऑफ फ्लैग इज टेकन एट ए टाइम, तो ये हमारा होगा एन
6P1 तो ये मैं लिख सकता हूँ 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 1 पिक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6 इंटू 5 पिक्टोरियल डिवाइड बाय 5 पिक्टोरियल, ये ख़त्म हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, एनी नंबर मतलब अब टू नंबर आप लेट इज टेकन एट ए टाइम तो ये हमारा होगा 6P2 तो 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 2 पिक्टोरियल तो ये मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 4 पिक्टोरियल तो 4 पिक्टोरियल 4 पिक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा 6 5 जा 13। एफ थ्री नंबर्स ऑफ लेग्स टेकन एट ए टाइम तो 6P3 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 3 पिक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पिक्टोरियल डिवाइड बाय 3 पिक्टोरियल ये ख़त्म हो जाएगा। अब 6 5 जार 30 34 जार 120। फोर नंबर ऑफ लेग्स आर टेकन एट ए टाइम तो ये हम लिख सकते हैं 6P4 तो 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 4 पिक्टोरियल तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 पिक्टोरियल डिवाइड बाय 2 पिक्टोरियल ये ख़त्म हो जाएगा और इससे हमारे साथ आ जाएगा 6 5 जार 30 34 जार 120 123 जार 360। ठीक है, ए फाइव नंबर ऑफ लेग्स आर टेकन एट ए टाइम तो हमारे साथ 6P5 हो जाएगा तो 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 5 पिक्टोरियल तो 6 पिक्टोरियल हमारे बराबर है 6 मल्टीप्लाई बाई 5 4 3 2 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 1 पिक्टोरियल से 1 पिक्टोरियल आता है और 1 पिक्टोरियल से 1 अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर ले 2 इसमें आ गया तो 3 6 की मल्टीप्लाई बाई 2 से आता है 720। ठीक है, तो 6 ये हमारे साथ आएगा 6P6 तो 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 6 पिक्टोरियल ये 0 आता है 0 पिक्टोरियल 1 के बराबर है और ये हमारे साथ 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इस तरह आएगा तो ये भी हमारे साथ 720 तो टोटल नंबर हमारे साथ कितने आएंगे टोटल नंबर ऑफ लेग्स टेकन एट ए टाइम टोटल नंबर ऑफ लेग्स टेकन एट ए टाइम हमारे साथ बन गई 6 प्लस 30 प्लस 120 प्लस 360 प्लस 720 और प्लस 720। ठीक है, तो हमारे साथ इसे आएगा 360 प्लस 120 प्लस 36 1956 तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ सही हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। तो 10 हमारे साथ है इन हाउ मेनी वेज वी कैन फाइव स्टूडेंट बी सीटेड इन ए रो ऑफ 8 सीट्स If a certain two digits insist on sitting next to each other, refuse to sit next to each other. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे साथ दो पार्ट है, 8 सीट्स हैं। हमारे साथ 8 सीट्स हैं, पार्ट का सीट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7 और ये सीट नंबर 8। टोटल नंबर ऑफ सीट हमारे साथ कितने हैं 8 है। अबर In how many ways can five students be seated in a row of 8 seats? ठीक है, और 5 students इस पे बैठते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 5 है। If a certain two students insist on sitting next to each other, number 1 insist of sitting next to each other. और दूसरा नंबर हमारे साथ है refuse to sit next to each other. ठीक है, तो हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट हमारे साथ 8 है। अगर
और दो बंदे हमारे साथ नेक्स्ट टू ईच अदर बैठते हैं, ठीक है, दो नंबर, ठीक है, तो दो को हम एक काउंट करते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ टोटल नंबर ऑफ सीट हमारे साथ 8 है, और हमारे साथ पांच स्टूडेंट्स है, ठीक है, नंबर ऑफ सीट 8 है और पांच स्टूडेंट है, तो टोटल नंबर हमारे साथ बनते हैं 8p5, ठीक है, तो 8p5 हमारे साथ बराबर है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो इससे हमारे साथ बनता है 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये खत्म हो जाएगा और ये हमारे साथ आ जाएगा, ये टोटल पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमारे साथ बनते हैं 8, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी, सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं। अब अगर एफ सॉल्यूशन नंबर वन, एफ टू स्टूडेंट्स इंसिस्ट टू सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर, देन ईच अदर, ठीक है, देन दे विल बी कंसिडर एज वन, कंसिडर एज वन, तो हमारा फोर मतलब 8p4 बनता है, ठीक है, 8p4, 8p4, बट जो दो बंदे मतलब इसमें जो दो बंदे फर्स्ट सेकंड है सेकंड थर्ड है वो अपनी अपनी जगह चेंज कर सकता है, वो तो एक दूसरे के साथ बैठेंगे, मतलब या इधर बैठेंगे या इधर बैठेंगे या इधर बैठेंगे या इधर बैठेंगे या इधर, तो चूंकि दो एक पे काउंट हुई तो हमारे साथ फोर बेस हो गए, 8p4 बन गए, ठीक है, 8p5 की जगह 8p4, लेकिन ये दोनों अपनी जगह चेंज कर सकता है, मतलब ये 1 2 की जगह और 2 1 की जगह, इधर अगर इधर बैठे हो तो 2 3 की जगह और 3 2 की जगह आ सकता है, अगर इधर बैठे हो तो 3 4 की जगह या 4 3 की जगह, इस तरह तो टू वे से वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, देयर आर टू वेज टू इंटरचेंज विद ईच अदर, हमारे साथ टू पिक्टोरियल बनता है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमारे साथ पार्ट वन में बन गए 8p4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये मेरे साथ बन गए 8 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 4 पिक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई बाई 2 पिक्टोरियल, तो 2 पिक्टोरियल हमारे साथ 2 के बराबर है, which is equal to 8 pictorial 8 multiply by 5 multiply by 8 multiply by 7 multiply by 6 multiply by 5 multiply by 4 pictorial divide by 4 pictorial multiply by 2, तो 4 pictorial खत्म हो जाएगा, 8 7 are 56 6 5 are 30 32 are 60 which is equal to 0 6 6 are 36 और 6 5 are 30 33, तो 3,360 वैसे वो बैठ सकते हैं, ठीक है, और दूसरा रिफ्यूज टू सीट ईच अदर, रिफ्यूज नंबर टू, रिफ्यूज टू सीट ईच अदर, ठीक है, तो हमारे साथ बराबर होगा रिफ्यूज टू सीट ईच अदर, ये हमारे साथ बराबर होगा टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल पॉसिबिलिटीज माइनस इंसिस्ट टू सीट ईच अदर, ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारे साथ है 6,720 माइनस 3,360, तो 0 0 12 माइनस 6 हमारे साथ 6 आता है, 6 माइनस 3 से 4 आता है और 5 6 माइनस 3 से 3 आता है, तो 3,360
460 बेस सेम अर्थात इस तरह बनते हैं कि दो बंदे इकट्ठी नहीं होंगे और जिसमें दो बंदे इकट्ठे होंगे टोटल पॉसिबिलिटी हमारे साथ ये है, तो इन दोनों का सम हमारे साथ बराबर होगा इसका। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होगा। नंबर 11, हाउ मेनी नंबर्स ईच लाइन बिटवीन 10 एंड 1000 कैन बी फॉर्म विद डिजिट 234089। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे साथ है डिजिट गिवन है 2340 2340894089। इससे हमारे साथ हाउ मेनी वेज कैन बी बिटवीन 10 एंड 1000, 10 और 1000 के दरमियान इससे कितनी नंबर बन सकते हैं। तो 10 और 1000 के दरमियान हमारे साथ 2 डिजिट नंबर भी है और 3 डिजिट नंबर भी है। ठीक है, तो कितने 2 डिजिट नंबर इससे बन सकते हैं। ठीक है, तो टोटल टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ 2 डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। अब जीरो फर्स्ट प्लेस पे हम नहीं रख सकते क्योंकि हमारे साथ फिर टू डिजिट नंबर नहीं बनाएगा। ठीक है, तो पहले पहले हमारे साथ पांच तरीके हैं। फर्स्ट प्लेस पे हमारे साथ टू डिजिट नंबर में फर्स्ट प्लेस पे हमारे साथ 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज, 5 वेज। और सेकंड प्लेस पे हमारे साथ 5 वेज, एक हमने लिख लिया रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 5 वेज हमारे साथ दूसरे में रह गए। तो टोटल कितने हो गए 25 वेज। ठीक है, अब टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ 3 डिजिट नंबर, टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ 3 डिजिट नंबर, पहले पे हमारे साथ कितनी पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट प्लेस इसमें 3 है, तो 3 प्लेसेस होंगे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस पे हमारे साथ 1 2 3 4 5 तरीके हैं, 5 वेज है। सेकंड पे भी हमारे साथ 5 है और थर्ड पे हमारे साथ 4 वेज है। तो हमारे साथ बन जाए 5 5 25 25 4 100। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज बिटवीन 10 एंड 1000 इज 25 प्लस 100, विच इज इक्वल टू 125। तो हमारे साथ इसमें टोटल पॉसिबिलिटीज 125 हो गई। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। तो 12 पे हमारे साथ है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इफ द लेटर आर टेकन ऑल एट ए टाइम। ठीक है, तो नंबर 1 हमारे साथ है बुक वॉर्म, बुक वॉर्म, WORM। तो टोटल नंबर हमारे साथ n हमारे साथ है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसमें ओ रिपीट होता है, ओ रिपीटेड 3 टाइम्स। ठीक है, ओ रिपीटेड 3 टाइम्स और बाकी में कोई रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं इसका परमुटेशन हमारे साथ बराबर होगा एन पी आर इज इक्वल टू 8 पिक्टोरियल, इसका परमुटेशन हमारे साथ बराबर होगा 8 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल और बाकी 1 पिक्टोरियल इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये मैं लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 4 3 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल, ये 3 पिक्टोरियल ख़त्म हो जाएगा। अब ये हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 7 56 आता है, मल्टीप्लाई बाई 30
मल्टीप्लाई बाय 4, 6720। कितनी तरह से 6720। नंबर टू हमारे साथ है बुक कीपर, बुक तो टोटल नंबर हमारे साथ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बी रिपीट नहीं हुआ है तो इसकी जरूरत नहीं, ओ हमारे साथ ओ रिपीटेड, ओ इज रिपीटेड टू टाइम्स, के रिपीटेड टू टाइम्स, ई रिपीटेड थ्री टाइम्स। ठीक है, अब इसके अलावा पी भी रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है, आर भी रिपीट नहीं हुआ, तो हमारे साथ बनता है परम्यूटेशन, बनता है 10 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल इंटू 2 पिक्टोरियल इंटू 2 पिक्टोरियल। ठीक है, तो 10 पिक्टोरियल मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल, 2 पिक्टोरियल और 2 पिक्टोरियल हमारे साथ 2 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो 3 पिक्टोरियल 3 पिक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा, 2 2 4 4 और इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ ये बाकी नहीं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5, 151200। ठीक है, पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है वर्ड एबटाबाद, एडबल सी ऊटी, एडबल बी ओ डबल टी ए बी ए बी। टोटल नंबर हमारे साथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पिक्टोरियल डिवाइड बाय ए कितनी दफा रिपीट हुआ है, 1 2 3, तो 3 पिक्टोरियल, बी भी 3 दफा रिपीट हुआ है तो 3 पिक्टोरियल, ओ रिपीट नहीं हुआ है, टी 2 दफा रिपीट हुआ है तो 2 पिक्टोरियल, और इसके अलावा इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 10 पिक्टोरियल डिवाइड बाय 3 पिक्टोरियल 3 इंटू 2, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 5 4 3 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल, और 3 पिक्टोरियल 6 के बराबर है और ये 2 है, तो ये 3 पिक्टोरियल 3 पिक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 6 इस 6 के साथ, और 2 1 0 2 2 2 0 4, तो ये मेरे साथ आ जाएगा। नंबर 4 हमारे साथ है लेटर एल ई डबल टी ई आर, तो एन हमारे टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें टी रिपीट हुआ है, टी रिपीटेड टू टाइम्स, और ई रिपीटेड टू टाइम्स, तो ये मतलब बनता है 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाय 2 पिक्टोरियल इनटू 2 पिक्टोरियल, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 2 पिक्टोरियल डिवाइड बाय 2 पिक्टोरियल इनटू 2, ये खत्म हो जाएगा, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो 6 5 जार 30 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60 और 180, तो इसका आंसर हमारा तो 180 आता है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाते हैं, तर्कीन हमारे साथ है फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड एक्सेलेंस, ई एक्स सी ई
LENCE. टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हमारे साथ बनता है, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पिक्टोरियल डिवाइड बाय ई कितने दफा है, 1 2 3 4, तो 4 पिक्टोरियल। एक्स रिपीट नहीं हुआ है तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सी इसमें 1 2 2 दफा आया है तो 2 पिक्टोरियल, एल 2 दफा आया है तो 2 पिक्टोरियल, ठीक है। और ई और एन रिपीट नहीं हुई है, ठीक है। तो हमारे साथ 10 पिक्टोरियल मैं लिख सकता हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाई 9 8 7 6 5 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 4 पिक्टोरियल 2 into 2, तो ये 4 पिक्टोरियल हमारे साथ 4 पिक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा। 2 1 0 2 2 3 0 6, 2 1 0 2 2 4 0 8, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमारे साथ बनते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 15, 73,800 बनते, ठीक है। अब इसमें पार्ट वन हमारे साथ है, हाउ मेनी ऑफ दीज परम्यूटेशन बिगेन विद ई, इसमें कितने हैं जो ई से शुरू होते हैं, ठीक है। नंबर वन, तो ई से जो शुरू होते हैं अगर ई को हम फिक्स कर लें एक ई को, तो टोटल नंबर हमारे साथ एन बनते हैं। एक एक ई इज फिक्स्ड, ठीक है। अगर ई को हम एक जगह पे फिक्स कर लें तो हमारे साथ टोटल कितने परम्यूटेशन बनते हैं, फिर टोटल एन हमारे साथ बनता है, देन एन इज इक्वल टू 9, एक कम होगा, ठीक है। और ई हमारे साथ रिपीट होगा 3 times, ई हमारे साथ रिपीट होगा 3 times। और इसी तरह इसके अलावा बाकी दो ये हमारे साथ, इसमें एल रिपीट हुआ है और सी रिपीट हुआ है, तो सी रिपीटेड 2 times और एल रिपीटेड 2 times, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 9 पिक्टोरियल डिवाइड बाय 3 पिक्टोरियल इनटू 2 पिक्टोरियल इनटू 2 पिक्टोरियल, ठीक है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 8 7 6 5 4 3 पिक्टोरियल डिवाइड बाय 3 पिक्टोरियल इनटू 2 इनटू 2, तो 2 2 इस 4 के साथ खत्म हो जाएगा, 3 पिक्टोरियल 3 पिक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे साथ आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 6 और 5 15120, ठीक है। अगर ई को हम टेक्स कर लें, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है बिगेन विद ई एंड एंड विद सी, मतलब अगर ई fixed at first position and C fixed at last position, तो हमारे साथ n बनेगा, n हमारे साथ आ जाएगा 8, 10 से 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर E हमारे साथ, E हमने एक fix किया है तो E हमारे साथ repeat होगा 2 times, और C हमारे साथ इसमें 2 है तो एक को हमने fix किया तो C 1 time repeat होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और एल 2 time रिपीट होगा, तो 2 time, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 8 पिक्टोरियल डिवाइड बाय 2 पिक्टोरियल इनटू 2 पिक्टोरियल, तो ये मैं लिख सकता हूँ 8 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 के साथ खत्म हो जाएगा, 2 2 1 0 2 2 2 0 4, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 6 10,000 10,008।
ठीक है। अब पार्ट नंबर थ्री, हमारे साथ है बिगेन विद ई एंड एंड विद ई, ठीक है। ई फिक्स्ड एट फर्स्ट प्लेस एंड लास्ट प्लेस, दो ई हमने फिक्स, एक को पहले पोजीशन पे और एक को लास्ट पोजीशन पे, ठीक है, लास्ट प्लेस। तो हमारे साथ टोटल नंबर एट हो गए, दो कम हो गए, ठीक है। ई हमारे साथ इसी केस में हमने एक गलती की, ई फिक्स्ड एट फर्स्ट पोजीशन एंड सी फिक्स्ड एट लास्ट पोजीशन, ठीक है। तो ई हमारे साथ टोटल चार है, तो ई हमारे साथ इसमें थ्री हो गए, ठीक है। इसमें हमारे साथ ई थ्री हो गई और सी एल हमारे साथ दो हो गए, ठीक है। तो ये थ्री फैक्टोरियल, ये हमारे साथ थ्री फैक्टोरियल बनता है, तो ये हमारे साथ बन जाएगा थ्री फैक्टोरियल, इधर हमारे साथ आ जाएगा थ्री फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल टू के बराबर है। तो थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा, टू वन जार टू, टू टू जार फोर, ठीक है। तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, एट सेवन जार फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी, 56 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये हमारे साथ बनता है 3360, ठीक है। अब इधर ई हमने फिक्स पहले पोजीशन पे लास्ट पोजीशन पे फिक्स किया, तो हमारे साथ दो रह गए, तो ई इज इक्वल टू टू, इस तरह सी भी टू, इस तरह एल भी टू टाइम, ठीक है। तो ये बनता है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6, 5, 4, 3, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इनटू 2 इनटू 2, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के साथ 2 2 जाए 4, तो ये 4 के साथ खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 5040 आ जाएगा। नंबर फोर हमारे साथ है डू नॉट बिगेन विद ई, ठीक है। नंबर थ्री है बिगेन विद ई एंड इन विद ई, ठीक है। नंबर फोर हमारे साथ है डू नॉट बिगेन विद ई, अगर ये लफ्ज जो हमारे साथ अगर ई से शुरू न हो जाए तो इसकी क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। डू नॉट बिगेन विद ई, ठीक है। तो बिगेन विद ई हमारे साथ है, टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे साथ है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हमारे साथ है। डू नॉट बिगेन विद ई हम किस तरह फाइंड करेंगे, डू नॉट बिगेन विद ई इज इक्वल टू टोटल पॉसिबिलिटीज माइनस बिगेन विद ई पॉसिबिलिटीज माइनस नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बिगेन विद ई। तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारे साथ कितनी थी, 73,000 इंटू 800, और बिगेन विद ई हमने पहले पार्ट में मालूम किया 15120, 15120, इसे आप ये माइनस कर लें, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 2 8, 7 माइनस 1 6, और 7 माइनस 5 2, और 3 माइनस 1 2, 22,680, ठीक है। तो पार्ट नंबर फोर साल हो गया। अब पार्ट नंबर फाइव हमारे साथ है, कंटेन टू टू एल्स टुगेदर, दो एल पार्ट नंबर फाइव कंटेन टू टू एल्स टुगेदर। पार्ट नंबर फाइव है कंटेन टू टू एल्स टुगेदर, तो जब एल बाकी कितने बनते हैं, दो एल को अगर हम एक रख ले तो हमारे तो बाकी एट बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल एन हमारे साथ एट हो गई, ई हमारे साथ फोर टाइम्स है और सी हमारे साथ दो दफा है, रिपीट हुआ, ठीक है। एल को हमने एक कंसिडर किया, तो ये हमारे साथ बन गई 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और एल रह गया, तो इस एल को हम 9 पोजीशन पे रख सकते हैं, 9 मतलब मल्टीप्लाई बाई 9 हमारे आ गया, ठीक है। तो ये मेरे साथ बन गया 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 9,
तो ये फोर फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल के साथ, टू वन ज़ार टू, टू थ्री ज़ार सिक्स, तो हमारे साथ ये आ जाएगा एट सेवन ज़ार 56, 56 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये बन गया 7560, 7560। अब आखिरी पार्ट नंबर सिक्स, पार्ट नंबर सिक्स, ये पार्ट फाइव है, ठीक है, पार्ट नंबर फाइव, पार्ट नंबर सिक्स हमारे साथ है, डू नॉट कंटेन टू एल टूगेदर। इसमें टू एल टूगेदर है, ये वो पार्ट जिसमें टू एल टूगेदर है। अब डू नॉट कंटेन, डू नॉट कंटेन टू एल टूगेदर हमारे किस तरह होगा, टोटल पॉसिबिलिटीज, डू नॉट कंटेन टू एल, टू एल्स टूगेदर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू टू टोटल पॉसिबिलिटीज माइनस टू एल्स टूगेदर, वो इसे माइनस करेंगे तो डू नॉट कंटेन आ जाएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारे साथ है, हमने मालूम किया 37,800 और माइनस ये आता है 7560, तो 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 5 2, और 7 माइनस 0 और 3, 30,240। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे साथ है, ए पाइप डिस्टेंट कीज आर प्लेस्ड ऑन ए की रिंग, एक की रिंग है जिस पे आप पाइप कीज रख सकते हैं, पाइप कीज, ठीक है। तो हमारे साथ हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल, इसमें हमारे साथ कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हमारे साथ इसका फार्मूला है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बाय ए रिंग आर एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू, हमारे साथ इसका फार्मूला है एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू, ठीक है। तो हमारे साथ टोटल फाइव है, एन हमारे साथ फाइव है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा फाइव माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू, तो फोर फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई टू डिवाइड बाई टू, टू टू खत्म, तो हमारे साथ ट्वेल्व वेज आ गया, ठीक है। और आखिरी आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे साथ है, इन हाउ मेनी वेज कैन सेवन पीपल बी अरेंज एट ए राउंड टेबल सो दैट टू पार्टिकुलर पर्सन ऑलवेज शुड सिट टुगेदर, ठीक है। तो अब जब एक राउंड सेट पे बैठते हैं, राउंड सेट पे, ठीक है, इस तरह राउंड सेट पे टोटल कितने हैं, सेवन है, तो हमारे साथ एन माइनस वन वेज बनते हैं, एन माइनस वन वेज मतलब एन माइनस वन फैक्टोरियल हमारे साथ बनते हैं, ठीक है। और दो बनते हमारे साथ हमेशा एक पोजीशन पे बैठते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ टू 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 फैक्टोरियल बनते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे साथ बनते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाई टू, टू फैक्टोरियल से इसी मल्टीप्लाई क्या है कि क्वेश्चन में हमारे साथ है कि टू पार्टिकुलर पर्सन ऑलवेज सेट टूगेदर, तो वो हमारे साथ टू फैक्टोरियल आता है। तो एन कितने कितने बनते हैं, टोटल सेवन है, तो एन हमारे साथ सेवन है, सेवन माइनस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू सिक्स फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई टू फैक्टोरियल, तो सिक्स फैक्टोरियल बराबर है सिक्स मल्टीप्लाई बाई फाइव फोर थ्री टू वन मल्टीप्लाई बाई टू फैक्टोरियल टू के बराबर है, विच इज इक्वल टू, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हमारे साथ सिक्स आता है, ठीक है, सिक्स माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। दो अच्छा टोटल नंबर सेवन है लेकिन दो तो इकट्ठे बैठे, दो एक हमने कंसिडर किया तो एन हमारे साथ सिक्स बन गया, तो इसकी जगह मैं सिक्स पुट करता हूँ, तो ये हमारे साथ सिक्स माइनस वन से फाइव फैक्टोरियल आता है, तो फाइव फोर जार ट्वेंटी, ट्वेंटी थ्री जार सिक्सटी, वन ट्वेंटी टू फोर्टी, तो हमारा टोटल कितने बन गए, टू फोर्टी। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गया।